जैसे कि हर साल अक्षय कुमार खेल खेल में बहुत सारी फिल्में कर देते हैं, वैसे ही उनकी अगली फिल्म आ चुकी है जिसका नाम है खेल खेल में। तो आज हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में, वो भी खेल खेल में। पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार और उनकी फिल्मों से लोगों को बहुत ही दिक्कत रही है, जैसे कि वो उम्र के हिसाब से किरदार नहीं निभा रहे, कॉमेडी के स्तर पर गड़बड़ है और उनकी फिल्म में कोई सोशल मैसेज नहीं है। खेल खेल में इस सारी दिक्कतों को अक्षय कुमार से पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश है। अच्छी बात ये भी, इन सारी दिक्कतों को दूर करने के बावजूद खेल खेल में मूवी बहुत अच्छे एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी साबित हुई है। इसी के साथ साथ हमें डायरेक्टर मुद्दसर अजीज की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मूवी में सोशल मैसेज और सेंसिटिव मुद्दे को भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ऊपर से एक्टर अडल्ट बेटी के बाप होने का किरदार भी बहुत अच्छे से दिखाया, यानी इस बार उनका कैरेक्टर उनकी उम्र के हिसाब से है। तो आप बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। कहानी में तीन कपल है, उसमें से अक्षय कुमार एक कपल है जिसकी एक एडल्ट बेटी है और उनकी बीबी मर चुकी है, और वाणी कपूर जी से उन्होंने दूसरी शादी की है। उसके बाद दूसरा कपल यानी कि एमी विर्क और तापसी पन्नू जी, इनकी जोड़ी एक अलग है। गांव शहर कुल अनुकूल पंजाबी और अंग्रेजी, इन सारे कंफ्लिक्ट से वो गुजर रही है और उनके ऊपर बच्चा पैदा करने का एक प्रेशर है। और तीसरा कपल है समर और नैना। नैना के पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और साथ ही समर के बॉस भी है। वो लगातार ये प्रूफ करने में लग जाते कि वो दामाद होने की वजह से नहीं बल्कि अच्छा काम करने की वजह से बहुत ऊपर पहुंचे। इन तीनों कपल्स में एक दूसरे के साथ एक दोस्ती है और एक शादी में शामिल हो चुके हैं, और उनके साथ एक दोस्त है जिसका नाम है कबीर और वो तलाकशुदा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला था लेकिन वो अकेला ही आ चुका है। बातों बातों में उनके सामने एक जिक्र होता है कि मर्द कैसे अपने दोस्त के सीक्रेट्स को छुपा के रखे। यहीं से एक नया गेम शुरू होता है जहां पर रात भर सारे लोग अपना फोन अनलॉक करके टेबल पर रख देते हैं और जो भी मैसेज कॉल आएगा वो सबके सामने पढ़ा जाएगा, ऐसी शर्त होती है। ये खेल एक अलादीन का चिराग बन जाता है जिससे अलग अलग जीन बाहर आते हैं और ये जीन अच्छी खासी शादी को एक ही झटके में जन्नत से दोजख बना देते हैं। लेकिन इस कहानी में शादीशुदा कपल्स के बोरिंग किस्से और उनके प्रॉब्लम्स नहीं है। ये तीन कपल्स और कबीर की इस कहानी के जरिए हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं, जब लोगों के पर्सनल सीक्रेट जब सबके सामने आ जाते हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उसे इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे टॉपिक पर पहले भी फिल्में बनी है लेकिन खेल खेल में की खास बात यह है, इसमें चीजें बहुत ही सुलझी हुई नजर आती है और हमें ये फिल्म कूल लगने लगती है। फिल्म में भले ही हमें अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आते लेकिन सारे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी स्क्रीन टाइमिंग दी गई जिससे उनकी एक्टिंग और भी निखर के आती है। अक्षय की ये फिल्म देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि इसका टाइटल कितना दिलचस्प है। इस मूवी में सीरियस मुद्दों को भी बहुत हंसी के साथ ट्रीट किया गया है। इस मूवी के अंदर बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी सीन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत दिनों के बाद अक्षय कुमार एक कॉमेडी किरदार निभा रहे हैं। अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं और बहुत दिनों के बाद अक्षय कुमार का कुछ अच्छा काम देखना चाहते तो इस मूवी के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा और बहुत दिनों के बाद अक्षय कुमार हमें कॉमेडी के किरदार में नजर आएंगे। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप इसे जरूर देखने चाहिए क्योंकि आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।